हमीरपुर जिला की बड़सर विधानसभा सीट पर इस बार चुनावों में त्रिकोणा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बड़सर विधानसभा से वर्तमान में विधायक रहे सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल के सामने बीजेपी के उम्मीदवार बलदेव शर्मा सीधी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, तो आजाद उम्मीदवार समाज सेवी सीताराम भारद्वाज भी दोनों उम्मीदवारों के लिए कांटा बने हुए हैं। विकास के मुद्दे को लेकर तीनों ही उम्मीदवारों के द्वारा एक दूसरे पर आरोपों की छींटाकशी कर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जनता भी अब पशोपश में है कि 9 नवंबर को किस उम्मीदवार को चुने। बीजेपी के उम्मीदवार बलदेव शर्मा का कहना है कि जनता में भारी रोष है कि जब जब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बने हैं तब तक बड़सर में ही नहीं अपतु हमीरपुर जिला का विकास रुका है। और 5 साल में एक काम बताइए जो आपने किया है, आपको इनाम देंगे 1 लाख रुपया। एक भी डीपीआर एमएलए नहीं बना पाएगा, एक भी लाख की सड़क नहीं लिया 5 साल में। ये वीरभद्र हमारे जिला हमीरपुर वालियों को देखना नहीं चाहता भैया, सच्चाई है, गप्पे नहीं है। हम लोग उठे गरीबी से तो हम पैसे कमाने के लिए नहीं आए, भगवान हमने बहुत पैसा कमाया, मैं तो बुजुर्ग करके कमाया, कोई कमी नहीं है। वही सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल ने अपनी जीत का दावा किया है और उनका कहना है कि टीका टिप्पणी वही लोग कर रहे हैं जो खुद 15 साल तक बड़सर में राज करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने बड़सर में अथाह विकास करवाया है। जो प्यार और मुझे मिला है जनता से, मैं समझता हूं कि हमारी जीत निश्चित है। और 7वीं बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं विधायक बनूंगा। टिप्पणी वो कर रहे हैं जो 15 वर्ष सत्ता में रहे, जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो उनकी तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। 100% जीत की तरफ मैं आश्वस्त हूँ और डंके की चोट से जीतेंगे, काम किए हैं और जीतेंगे। वहीं आजाद उम्मीदवार सीताराम भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपना अपना विकास किया है और बड़सर विधानसभा की जमकर अनदेखी की है। जो विकास की बात है वो तो मैं तो यही कहूंगा कि इनका जो पहली चीज तो जो पिछली 2012 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था, जो इन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया था, ये विकास के नाम से उसमें भी पूरे नहीं उतर पाए हैं, 50% भी ये कार्य नहीं कर पाए हैं। और ये जो जंगल राज हो रहा है ये भी एक बहुत ही निंदनीय है, मैं तो कहता हूँ कि ये इसकी तो मैं निंदा ही करूँगा क्योंकि जंगल राज बन गया है। तो विकास इन्होंने अपना तो जरूर किया है लेकिन जनता का विकास पूरा नहीं हो पाया। गौरतलब है कि इससे पहले के चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दो ही दलों के उम्मीदवार बड़सर में चुनाव मैदान में होते थे और मुकाबला भी दोनों ही दलों में रहता था, लेकिन इस बार कांग्रेस से निष्कासित हुए समाज सेवी सीताराम भारद्वाज भी चुनाव मैदान में डटे होने से समीकरण अलग बन रहे हैं, जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के मुश्किलें बढ़ रही हैं।